जानकारी आप हमारे चैनल में नई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। फिटनेस इज, अगर किसी आदमी की बॉडी वेल बिल्ड हो या किसी औरत की फिगर वेल मेंटेन हो, इससे हम ये नहीं कह सकते कि वो आदमी या औरत पूरी तरह से फिट है। पूरी तरह से फिट मींस आप आपके डेली रूटीन में जो कामकाज करते हैं वो आप बिना थके और ज्यादा एक्टिवली कर पाए। इसके लिए आपको आपकी बॉडी की जो मेन 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस है उन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अभी हम देखेंगे ये 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस कौन से हैं। नंबर 1, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, यानी हृदय की मजबूती। अगर आसान शब्दों में बोले तो हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज रहती है, जैसे कि चलना, सीढ़ियां चढ़ना, जरूरी काम के लिए भागदौड़ करना, आपातकालीन स्थिति में भागना, इन सब में हमें बहुत अच्छा स्टैमिना तो लगता है, तो ये स्टैमिना हम पा सकते हैं बाय डूइंग रेगुलर एरोबिक ट्रेनिंग, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज चलना, स्पॉट जॉगिंग यानी जगह पे दौड़ना, रनिंग यानी तेज भागना, साइकिलिंग एंड स्विमिंग। नंबर 2, मस्कुलर स्ट्रेंथ यानी मांसपेशियों की शक्ति। दिन भर में जो भी हम कामकाज करते हैं, जैसे कि कुछ भारी चीजें उठाना, किसी भी वस्तु को ढकेलना या खींचना, भारी दरवाजा खोलना या बंद करना इत्यादि, तो ये सब चीजें करने के लिए हमें जो मांसपेशियों की ताकत लगती है वो ताकत हम रेगुलर वेट ट्रेनिंग या बॉडी वेट एक्सरसाइज करके पा सकते हैं। नंबर 3, मस्कुलर एंड्योरेंस यानी मांसपेशियों की मजबूती। मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब है किसी भी प्रकार का काम बिना शारीरिक थके ज्यादा से ज्यादा समय तक कर पाना। फॉर एग्जाम्पल, हाथ में बैग या सूटकेस पकड़ के ज्यादा समय तक चलना, या सीढ़ी पे कोई आदमी वॉल पेंटिंग के काम के लिए चढ़ा हुआ है तो वो सीढ़ी दूसरे आदमी ने नीचे से बिना हिलाए ज्यादा समय तक होल्ड कर पाना। नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। ह्यूमन बॉडी के जॉइंट्स यानी जोड़ों की जो मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन है वो साध्य करने के लिए हमें योगा, ताई ची, मार्शल आर्ट्स, पिलाटिस जैसे व्यायाम प्रकार करने आवश्यक है, जिससे हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी यानी लवचिकता बढ़ेगी। नंबर 5, आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन यानी आदर्श शरीर संरचना। आजकल के जीवन में मोटापे की जगह एक पतला और फिट शरीर होना बहुत जरूरी है, जो कि हम ये साध्य कर सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज और संतुलित आहार से। फिट रहने के लिए AHA यानी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जो वर्ल्ड की सबसे एडवांस हृदय संस्था है, उन्होंने कहा है हर आदमी या औरत ने दिन में कम से कम 30 मिनट तेज चलना चाहिए, जिससे आपकी सेहत दिन ब दिन अच्छी होती जाएगी। इसके साथ साथ आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग ऐड करेंगे तो इससे आपको फैट लॉस यानी मोटापा कम होने में आसानी होगी। अभी हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज यानी व्यायाम के लाभ। नंबर 1, नियमित व्यायाम दिल की बीमारी को रोकने में मदद करता है, जैसे कि स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर इत्यादि। नंबर 2, नियमित व्यायाम करने से मोटापा कम होता है और टाइप 2 डायबिटीज नियंत्रण में रहता है। नंबर 3, नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियों की ताकत, कार्यक्षमता, लवचिकता बढ़ती है। नियमित व्यायाम पीठ दर्द, कमर दर्द को रोक सकता है। नंबर 4, ऑस्टियोपोरोसिस। अभी यह ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? बढ़ती उम्र के साथ साथ शरीर की हड्डियों का कैल्शियम कम हो जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर होती है। रेगुलर वेट ट्रेनिंग से हड्डियां मजबूत होती है, इसलिए आप कोई भी उम्र में हो, हल्की वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है, यह हमेशा आप ध्यान में रखें। नंबर 5, नियमित व्यायाम करने से कॉर्टिसोल नाम के जो स्ट्रेस हार्मोन है वो मुक्त होते हैं, जिससे आपका मूड पूरे दिन अच्छा रहता है। नियमित व्यायाम से हमारी चिंता, तनाव, थकान सब दूर हो जाते हैं, इसलिए हर रोज हफ्ते में 5 से 7 दिन
30 से 60 मिनट तक अलग अलग प्रकार के व्यायाम प्रकार करने बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने सीखा व्हाट एग्जैक्टली फिटनेस इज एंड बेनिफिट्स ऑफ फिटनेस, यानी व्यायाम क्या है।